नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी आवाज़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेडमी नोट 7 प्रो इसमें आ गया है एक और नया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा आपके रेडमी नोट 7 प्रो में, जो कि है MIUI 10.3.10.0। तो ये आज ही इसका जो रोलिंग है आज ही स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे सब डिवाइस में मिल जाएगा। ये बैच वाइज रिलीज़ हो रहा है, तो अगर आपके डिवाइस में ये नहीं मिल रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके डिवाइस में भी आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग में जाकर के ये अपडेट। ये देखिए MIUI वर्जन 10.3.10.0 स्टेबल 566 MB का ये अपडेट है। तो इसमें जो है नया दिया गया, यहाँ पर लिखा हुआ है जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच टू जून 2019, इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, लॉक स्क्रीन स्टेटस बार नोटिफिकेशन सेड, इंट्रोड्यूसिंग कस्टमाइजेशन लॉक स्क्रीन क्लॉक, लॉक स्क्रीन पासवर्ड, एडवांस सेटिंग एंड मीडिया वॉल्यूम को भी फिक्स किया गया है। तो दोस्तों इसे इस अपडेट को चलिए मैं जल्दी से इंस्टॉल कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर इंस्टॉल करके आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या नया है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, मैंने Redmi Note 7 Pro का लेटेस्ट अपडेट जो है वो इंस्टॉल कर लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, या पर MIUI 10.3.10.0 स्टेबल अपडेट जो कि मैंने अभी अभी अपडेट कर लिया है, वो ये लेटेस्ट अपडेट है जो आज ही आया है। तो इसमें क्या क्या नया फीचर्स है मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। नया एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच आपको मिलेगा, एक नोटिफिकेशन जो लॉक स्क्रीन का आपका क्लॉक है उसमें कुछ नया दिया गया है, और जो MI क्लाउड का ऑप्टिमाइजेशन है वो बेहतर किया गया है, मीडिया वॉल्यूम को फिक्स्ड किया गया है, और भी छोटी छोटी कई दो तीन चीज़ें हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, आप देख लीजिए वीडियो को। तो चलिए ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाए, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच है, यहाँ पर Redmi Note 7 Pro 2019 6/1 मतलब जून का सिक्योरिटी पैच यहाँ पर दिया गया आपको, लेकिन ये जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है अब, तो जुलाई का भी सिक्योरिटी पैच जल्दी आ जाएगा आपको। तो देखते और नया क्या है। तो अगर आप सेटिंग में जाकर यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में जाते हैं, सॉरी एडिशनल यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में जाना होगा और फिर एडवांस सेटिंग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लॉक स्क्रीन एंड क्लॉक फॉर्मेट का ऑप्शन जो है नया है, ये पहले नहीं था। तो इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ये जो आपको पहले देखने को नहीं मिलता था। तो आपका जो लॉक स्क्रीन का क्लॉक है उससे आप अब चेंज कर सकते हैं, ये पहले नहीं होता था, तो एक अच्छा बात है ये आपको मिल गया है। चलिए और आपको दिखाते हैं इसमें क्या नया है। और जो दूसरा बात है, इसका जो UI है पहले से बहुत ही फास्ट, बहुत ही स्मूथ है। जो 10.3.9 का जो अपडेट आया था वो हालांकि सस्पेंड हो गया था, बहुत सारे लोगों ने उसको कर लिया था और बहुत सारे ने नहीं किया था। तो जिन्होंने किया था उसका UI बहुत ही लैग हो रहा था, तो इस अपडेट के बाद फिर से आपको एक स्मूथ एंड फास्ट एक्सपीरियंस UI देखने को मिल जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से किसी भी ऐप में आप स्विच हो सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप किसी भी ऐप को एग्जिट कर सकते हैं एकदम फास्ट। तो एक अच्छा UI आपको देखने को मिलेगा इस अपडेट में, जो कि है काफ़ी स्मूथ और फास्ट। तो और एक चीज़ जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थीम में, तो ये जो थीम का ऐप है ये भी एक अपडेट दिया गया इसमें। तो पहले क्या होता था दोस्तों, अगर आप साइन इन नहीं किए होते थे तो आप ऐसे कोई भी थीम डाउनलोड नहीं कर सकते थे, पर अभी आप विदाउट साइन इन या पर विदाउट साइन इन भी आप कोई भी ऐप को डाउनलोड बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जो भी ऐप आपको चाहिए वो आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। और जो एक अपडेट आया है दोस्तों, जो नया इसमें आपको देखने को मिलेगा कैमरा में, तो जो कैमरा में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ये जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है ऑटो मोड में, तो इसका टाइम थोड़ा सा जल्दी फ़ोटो लेता है पहले से, थोड़ा सा जल्दी, ज़्यादा नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक फ़ोटो क्लिक करके। तो आप देखा आपने दोस्तों, 4-5 सेकंड तो लग ही जाता है, तो
मुझे लगता है ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हुआ है। और एक दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम अभी भी लग रहा है और प्रो मोड में देखते हैं। तो दोस्तों ये प्रो मोड है 48 मेगापिक्सल का, तो चलिए इसमें अब एक फ़ोटो लेकर देखते हैं। तो प्रो मोड में भी कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं है, वो वैसा ही है, कुछ ज़्यादा इसमें फास्ट नहीं हो रहा है। तो कैमरा का जो लैग होता था दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग में, वो लैग अभी तक फिक्स्ड नहीं हुआ है जो हमने चेक किया है। और यहाँ पर कैमरा में आपको फुल स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर कैमरा फ्रेम में देखिए, फुल स्क्रीन का एक ऑप्शन आ गया है। तो अभी आप इसमें फुल स्क्रीन में भी फ़ोटो ले सकते हैं, ये देखिए। तो ये ऑप्शन आपको नया दिया गया है फुल स्क्रीन का। तो ये था दोस्तों आपका कैमरा का अपडेट। तो और भी इसमें थोड़ा एक दो अपडेट दिया गया है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए होम स्क्रीन में पहले क्या होता था, अगर नीचे से हम ऐसे ऊपर उंगली करते थे, उंगली को ले जाते थे, तो गूगल का जो एक सर्च ओपन हो जाता था। तो अभी आपको नहीं होता है, उसको आप क्लोज कर सकते हैं। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे आपको सेटिंग में जाना होगा, आपके सिस्टम लॉन्चर सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर मोर में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया स्वाइप अप ऑन द होम स्क्रीन टू ओपन सर्च। तो ये ऑन होता था पहले से, इसको ऑफ़ नहीं किया जा सकता था, पर अभी आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। ये एक नया फीचर्स है। और जो और एक नया फीचर्स आया है वो है ये जो होम स्क्रीन लेआउट, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। पहले ये फिक्स्ड था, तो इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। और एक बेहतरीन जो मुझे और एक चीज़ लगा, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए ये जो गेम स्पीड बूस्टर ऐप है, अगर इसमें आप जाएंगे तो आप किसी भी गेम को, यहाँ पर मैंने पबजी को ऐड करके रखा है, तो सेटिंग में अगर आप जाएंगे, एडिशनल सेटिंग में जाएंगे और पबजी में क्लिक करेंगे, तो देखिए आप जो गेम जब खेलते हैं तो आपको मोबाइल के जो कॉर्नर है वो पर टच हो जाता था, तो गेम एग्जिट हो जाता था। कई बार रॉन्ग की प्रेस हो जाता था, तो बहुत दिक्कत होता था। तो अभी ये देखिए टच रिस्पॉन्स सेंसिटिविटी टू रिपीटेड टैप्स, तो इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यह जो कोने में है ना, इसे आप मीडियम लार्ज या पर सेंसिटिविटी या पर आप इसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर जो टच रेजिस्टेंस एरिया है गेम स्पीड बूस्टर, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी एक नया चीज़ जो मुझे देखने को मिला है। तो दोस्तों जिनका भी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं जो भी वर्सन MIUI का, तो ये लेटेस्ट अपडेट है Redmi Note 7 Pro का। तो आपको अगर ये अपडेट नहीं मिला है अभी तक, तो आप टेंशन मत कीजिए, आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि Redmi में बैच वाइज अपडेट रिलीज़ होता है। तो अगर आपको नहीं मिला है तो आपको 2-3 दिनों में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल टेक्नोलॉजी आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।